आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के किस प्रकार के विचार है, राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति की पहचान क्या है, राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या है। पहले क्रम इसमें आप क्या है कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। राष्ट्रीय शक्ति में दो शब्द है, राष्ट्रीय शक्ति जो राष्ट्र से जुड़ा उसे राष्ट्रीय कहते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता से, राष्ट्र की एकता से, राष्ट्र की अखंडता से। और शक्ति का अर्थ है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना शक्ति कहलाता है। शक्ति के विषय में जो प्रमुख परिभाषा है वो मैकाइवर की, शक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या वस्तुओं के व्यवहार को केंद्रित करना है, निर्देशित करना है, नियंत्रित करना है। यानी कि मैकाइवर कहता है कि हम व्यक्तियों के व्यवहार को केंद्रित कर पाते हैं या निर्देशित कर पाते हैं या नियंत्रित कर पाते हैं तो उसे हम जो है शक्ति कहते हैं। दूसरा प्रमुख विद्वान इसमें जो है आर एच टोली, शक्ति एक ऐसी योग्यता है जिससे अन्य व्यक्तियों या समूहों का व्यवहार उस रूप में परिवर्तित किया जाता है जिस रूप में ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति चाहता है। यानी दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, उसमें बदलाव करना एचआर टोनी के अनुसार जो है शक्ति। शक्ति के विषय में तीसरी प्रमुख परिभाषा स्वार्थन प्रकृति। स्वार्थन प्रकृति कहता है कि शक्ति से हमारा अभिप्राय है कि एक प्रकार से एक व्यक्ति की इच्छा को दूसरे व्यक्ति के ऊपर लादना और यहां तक कि दूसरा व्यक्ति न माने तो उसे प्रभावशाली नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से स्वार्थन प्रकृति जो है वो कहता है कि शक्ति से हमारा अभिप्राय है एक व्यक्ति जो है अपने प्रभाव के द्वारा, अपने बल के द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर सौंपता है, दूसरों के ऊपर जो है सौंपता है। तो इस प्रकार से शक्ति का जो अर्थ है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन करना, उनको निर्देशित करना, उनको नियंत्रित करना। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र शक्ति क्या है। राष्ट्र शक्ति जो है एक राष्ट्र की वो शक्ति है जिसके आधार पर एक राष्ट्र दूसरे राज्य के भाग को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। या एक राष्ट्र जो है जिस तरह से अपनी घरेलू नीति और विदेश नीति के द्वारा दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर पाता है, निर्देशित कर पाता है। राष्ट्रीय शक्ति के विषय में प्रमुख परिभाषा और देश की थी। कहता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की जितनी अक्षमता रखता है उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। यानी एक राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं, एक राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय उद्देश्य है, उनको पूरा करने के लिए जिस तरह से वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है उसे जो है उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति के विषय में दूसरी प्रमुख परिभाषा पामर व पर्केस की। पामर और पर्केस का मानना है कि शक्ति जो है विश्व राजनीति पर राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। यानी विश्व की राजनीति पर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक राज्य जिस तरह का प्रभाव डालता है, जिस तरह से अपने प्रभाव का प्रयोग करता है उसे उस राज्य की राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के विषय में तीसरी प्रमुख परिभाषा जो है
स्वार्थन बर्गर की। स्वार्थन बर्गर कहता है शक्ति अपनी इच्छा को दूसरों के ऊपर लादने की क्षमता है और जिससे न मानने वाले पर प्रभावशाली उपाय का प्रयोग किया जाता है। यानी स्वार्थन बर्गर के अनुसार जो है राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की वो शक्ति है जिसके आधार पर जो है वो दूसरे राज्यों की इच्छाओं को प्रभावित करता है, दूसरे राज्यों की इच्छाओं के ऊपर एक प्रकार का दबाव डालने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्र शक्ति एक राष्ट्र की वो शक्ति है जिसके आधार पर जो है वो अपने विदेश नीति का निर्माण करता है और दूसरे राष्ट्रों की विदेश नीति को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। अब आगे इसमें अगर एक क्रम है कि राष्ट्र शक्ति की प्रकृति क्या है, राष्ट्र शक्ति की विशेषताएं क्या है, राष्ट्र शक्ति की पहचान क्या है। तो राष्ट्र शक्ति की पहली जो विशेषता है, पहला जो लक्षण है वो है कि इसका स्वरूप है स्थायी, है स्थायी स्वरूप। राष्ट्र शक्ति की प्रकृति है वो हमेशा स्थायी रहती है, परिवर्तनशील रहती है, हमेशा बदलती रहती है, ये कभी स्थायी नहीं रहती। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय स्थिति में समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है निरंतर बदलाव आता रहता है। हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं कि 1947 में भारत की आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और औद्योगिक शक्ति जो है इतनी कमजोर थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में आर्थिक विकास हुआ, सैन्य क्षेत्र में विकास हुआ और आज के मुकाबले देखें तो भारत की राष्ट्रीय शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है। या अलग अलग स्टेजेस पर हम देखें तो 1962 में जब चाइना ने जो है भारत को प्रेजेंट किया था तो उसमें भारत की राष्ट्रीय शक्ति जो है काफ़ी कमजोर आती गई, लेकिन 1971 में फिर जो है इंडो पाक युद्ध हुआ उसमें भारत की विजय हुई और भारत की राष्ट्रीय शक्ति में से काफ़ी उछाल। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भी हम देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शक्ति में काफ़ी विकास हुआ, राष्ट्रीय शक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण लक्षणों में दूसरा है कि मूल्यांकन की उचित विधि। राष्ट्रीय शक्ति की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है सापेक्षता का स्वरूप।
यानी राष्ट्रीय शक्ति जो है एक दूसरे राष्ट्रों का निर्भर है, एक दूसरे राष्ट्रों की जो अवस्थिति है, एक दूसरे राष्ट्रों की जो प्रकृति है उन पर निर्भर करती है। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है कि आजादी से लेकर के लगभग 1991 तक जो है भारत और रशिया के संबंध काफी जो है मधुर रहे, लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रूस की जो है राष्ट्र शक्ति काफी कमजोर हो गई, आर्थिक रूप से जो है वो काफी कमजोर हो गया और भारत और रूस के संबंधों में जो है जो मधुरता है वो काफी कम हो गई है। और 1991 के बाद जो है धीरे धीरे अमेरिका और भारत के संबंधों में काफी मजबूती आई। तो एक प्रकार से राष्ट्र शक्ति की पहचान, राष्ट्र शक्ति की विशेषता है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राष्ट्र शक्ति की अगली महत्वपूर्ण विशेषता जो है तुलनात्मक प्रकृति है। यानी राष्ट्र शक्ति में हम जो है एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की राष्ट्र शक्ति से तुलना कर सकते हैं कि एक राष्ट्र की सैन्य शक्ति कितनी है, दूसरे राष्ट्र की सैन्य शक्ति कितनी है, या एक राष्ट्र में जनसंख्या कितनी है, दूसरे राष्ट्र में जनसंख्या कितनी है। तो किसी भी एक तत्व के आधार पर जो है दो राष्ट्रों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं दो राष्ट्रों में, किन्हीं दो तत्वों में समानता हो सकती है लेकिन सभी प्रकार के तत्वों में समानता नहीं हो सकती। इसमें उदाहरण लिया जा सकता है जर्मनी और जापान का, आर्थिक रूप से दोनों ही देश समृद्ध है लेकिन सैन्य दृष्टि से दोनों राष्ट्र की स्थितियों में काफी अंतर पाया जाता है। राष्ट्र शक्ति की छठी महत्वपूर्ण विशेषता है विश्व धर्म। यदि एक राष्ट्र की राष्ट्र शक्ति को विश्व धर्म प्रभावित करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र अगर किसी राष्ट्र की विशेष विचारधारा विशेष प्रकार की विदेश नीति के विरुद्ध है तो उस राष्ट्र को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत के सामने झुकना पड़ता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान को एक आतंकवादी स्टेट के रूप में देखा जाता है और विश्व जनमत यह कहता है कि विश्व में जितने आतंकवादी संगठन है उनका दहशत जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर जो है पाकिस्तान को जो है इस तरह के विचारों से इस तरह के विश्व धर्मों के सामने जो झुकना पड़ता है। सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्र का व्यवहार। यदि एक राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र के व्यवहार से पता चलती है कि उस राष्ट्र का व्यवहार कैसा है, शांतिप्रिय है या आक्रामक, जैसे कि 1947 से लेकर के आज तक अगर हम भारत का व्यवहार देखें तो उसका व्यवहार जो है शांतिपूर्ण रहा है, सहयोग वाला है। भारत ने आज तक जो है कभी किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने आज तक जो है किसी विदेशी राष्ट्र के घरेलू मामलों में इंटरवेंशन नहीं किया है। और दूसरी तरफ अगर हम उत्तरी कोरिया के प्रमुख किम जोंग को देखें तो उसका व्यवहार जो है हमेशा काफी आक्रामक रहा है, ईरान का व्यवहार जो है आक्रामक रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे राष्ट्रों के प्रति जो है एक प्रकार का विश्व धर्म का नकारात्मक व्यवहार रहता है। राष्ट्र शक्ति के विषय में अगली प्रमुख विशेषता है अविभाज्य इकाई। एक राष्ट्र की राष्ट्र के जो शक्ति है उसके जितने तत्व है उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। एक राष्ट्र में जितने भी चाहे जनसंख्या हो, भूगोल हो, प्राकृतिक संसाधन हो, खाद्यान्न पदार्थ हो, उसकी जो है विचारधारा हो या नेतृत्व हो या सरकार की स्थिरता हो या राष्ट्रीय मतलब हो, सभी तत्वों का योगदान रहता है। जैसे कि हम अरब कंट्रीज का उदाहरण ले सकते हैं कि उनके पास है तेल शक्ति है, तेल की पूर्ति है, लेकिन तेल के साथ साथ जो है अन्य प्रकार के उपयोगों के लिए उन्हें जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता है। इसी तरह से जो है विश्व का कोई भी देश किसी एक क्षेत्र में ज्यादा जो है पावरफुल है
और दूसरे क्षेत्रों में से जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। राष्ट्रीय शक्ति के विषय में अगले महत्वपूर्ण विशेषता है कि राष्ट्रीय शक्ति साध्य भी है और साध्य भी है। क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये समाप्त।